Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we'll solve NCERT exemplar for class 9 science chapter 1 matter in our surroundings. In this session we will solve short answer type questions, question number 17 to question number 22. I will try to explain each questions through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details of each questions for offline revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the questions. Question number 17. इससे पहले के questions हमने अपने पुराने वीडियो में अपलोड किए, आप वहां से उसको देख सकते हैं. Classify the following into osmosis oblique diffusion or diffusion. क्या कर रहा है? जो स्टेटमेंट दिया हो इस ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन है इसमें क्लासिफाई करना है. क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का? ये स्वेलिंग ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर. रेजिन को जब वाटर में रखते हैं तो स्वेल अप होता है, तो ये क्या है? ऑस्मोसिस है. दैट इज करेक्ट है, ऑस्मोसिस. क्यों? बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर सराउंडिंग द रेजिन विल बी मोर देन वाटर कंसेंट्रेशन इनसाइड द रेजिन. हेंस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विच विल मेक द रेजिन स्वेल अप. जो वाटर का कंसेंट्रेशन रेजिन के सराउंडिंग है वो ज्यादा है वाटर के कंसेंट्रेशन से जो इनसाइड रेजिन है. इसलिए जो वाटर की मूवमेंट क्या है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो क्या होगा? रेजिन स्वेल करेगा. क्वेश्चन 17 बी, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नेजिंग, दैट इज डिफ्यूजन. क्यों? बिकॉज माइक्रोस्कोपिक वायरस गेट डिफ्यूज इन द एयर. सो वायरस होते हैं क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं, वो नेकेड आई से दिखते नहीं, वो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. तो जब हम स्नेज करते हैं तो एयर में वो डिफ्यूज हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 सी, अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कॉमन साल्ट. जो अर्थवर्म है वो जब कॉमन साल्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो मर जाते हैं. दैट इज ऑस्मोसिस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट. व्हेन साल्ट इज स्प्रिंकल्ड ऑन देम देयर स्किन गेट्स ड्राइड ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हिच देयर बॉडी श्रिंक एंड दे डाई. क्या होता है जब उनके वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होगा? जो उनके जो अर्थवर्म होते हैं, जो पानी है उनके ऊपर वाटर है, वो क्या होगा? ड्राई हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो क्या होगा? उनकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी, दैट दे डाई. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 17 डी, क्या कर? श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ड इन थिक शुगर सिरप. क्या क्यों होता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस. क्यों? जब बिकॉज ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द वाटर फ्रॉम द ग्रेप्स मूव आउट ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस. दिस इज रिजल्ट इन द श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स. मतलब कि जब क्यों श्रिंक करता है,
जब हम ठीक से होगा, क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोसिस क्यों, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, जो वाटर है ग्रेप्स में मूव आउट हो जाता है ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, दैट द रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्विंग पिकल इन साल्ट, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोसिस, बिकॉज साल्ट ड्रा वाटर आउट द सेल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर वन प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ, ऑस्मोसिस के चलते होते, क्योंकि साल्ट जब हम पिकल में डालते हैं तो क्या है, वाटर अब्जॉर्ब करता है, तो आफ्टर अब्जॉर्ब करेगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, तो जब ग्रोथ नहीं होगा तो उनकी प्रिवेंशन होगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एनारोबिक फर्मेंटेशन एंड प्रिवेंट देयर फ्रॉम स्पॉयलेज, ये क्या लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एनारोबिक फर्मेंटेशन, उस टाइम क्या होगा कि जो फूड है वो स्पॉइल नहीं करेगा, तो प्रिजर्वेशन पिकलिंग इन साल्ट दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बींग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस, दैट इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या मतलब क्या है, एयर में फैल जाना, डिफ्यूजन बिकॉज इट बिकॉज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन, जब हम बेक करते हैं तो क्या होगा, वहां पे हायर कंसेंट्रेशन सराउंडिंग लोग हाउस में तो डिफ्यूज होगा, दैट इज अ डिफ्यूजन। नेक्स्ट स्लाइड देखते, एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोसिस, बिकॉज फिश एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू गिल्स एंड स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो फिश होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर, थ्रू गिल्स एंड स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 18, वाटर एज आइस हैज अ कूलिंग इफेक्ट वेयर एज वाटर एज स्टीम मे कॉज सेवर बर्न, एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन, जब वाटर आइस के तरह होता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है, जबकि जब वाटर स्टीम होता है तो काफी बर्न सेवर बर्न करता है, क्यों, वाटर एज स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट एज कंपेयर टू वाटर एज सॉलिड एंड लिक्विड, hence it causes severe burns while water as ice causes a cooling effect, जब water steam में होता है तो उसमें क्या है, latent heat बहुत ज्यादा होता है as compared to water normal solid and liquid, इसीलिए it causes severe burns while water जब ice रहता है तो cause cooling effect। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 19, अलका वाज मेकिंग टी इन केटल, सडनली शी वाज इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गसिंग आउट द स्पॉट ऑफ द केटल, शी वंडर्ड वेदर द टेम्परेचर ऑफ स्टीम वाज हायर देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग इन द केटल, अलका एक लड़की है केटल में चाय बना रही है, अचानक वो इंटेंस हीट और पॉप ऑफ स्टीम उसको लगता है जो बाहर आ रहा है केटल से, वो ये सोचने लगती है कि क्या टेम्परेचर स्टीम का ज्यादा है या मतलब वो बॉइलिंग वाटर जो केटल में है वाटर बॉयल कर रहा है उससे स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होता है स्टीम
एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉइलिंग इन द केटल इज सेम बट द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो केटल में स्टीम और टेम्परेचर जो बॉयल हो रहा है दोनों का सेम होता है, लेकिन जो स्टीम की पार्टिकल होती है उसके अंदर मोर एनर्जी ज्यादा, क्यों? इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन द पार्टिकल ऑफ वाटर। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द स्टीम कंडेंस टू वाटर। ये जो एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज होता है कब? जब स्टीम वाटर में कंडेंस होता है। देयरफॉर स्टीम इज हॉटर देन बॉइलिंग वाटर, इसलिए स्टीम जो है बॉइलिंग वाटर से ज्यादा हॉट लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 20। ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर बिलो 0°C। इफ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ टम्बलर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट, ये ग्लास में हॉट वाटर फ्रीजर कंपार्टमेंट में बिलो 0° रखते हैं, अगर हम उसका टम्बलर का टेम्परेचर जो कंटेंट है लेते हैं तो इस ग्राफ में फॉलोइंग करेक्ट अगेंस्ट फंक्शन ऑफ टाइम में क्या रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा? ये पहले टेम्परेचर क्या होगा? हॉट वाटर है, ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट कूलिंग दिखा रहा, इसमें पहले ज्यादा है और कांस्टेंट हो गया 0°, या ज्यादा आया फिर ज्यादा हो गया, नहीं पहले क्या है? हॉट वाटर है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, फिर जब वो 0°C पे आएगा रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे तो वाटर यहाँ कूल होगा, फिर समटाइम उसको आइस में कन्वर्ट होने में टाइम लगे तो स्टिल 0°, देन अगेन लो होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज वाटर विल कूल इनिशियली अंटिल इट्स टेम्परेचर रीजे 0°C। आफ्टर रीचिंग द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट अंटिल द वाटर बिकम आइस। जब वाटर आइस में कन्वर्ट, आफ्टर दैट द टेम्परेचर विल डिक्रीज अगेन, फिर उसके बाद टेम्परेचर नीचे जाएगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लुक एट द फिगर एंड सजेस्ट इन विच ऑफ द वेसल ए बी सी डी द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी द हाईएस्ट। एक्सप्लेन। हमारे को ये मूविंग फैन लगा हुआ है और ए बी सी डी चार पोर्ट हैं, इसमें लिक्विड है, किसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा? तो किसमें होगा? ये जिसे इसमें कम है, ये तो छोटा भी है, इसमें ज्यादा है, ये कवर्ड है, तो जो सी है इसमें ज्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया भी ज्यादा ले रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ भी ज्यादा है लेकिन जो लिक्विड है कम है, तो यहाँ सरफेस एरिया भी ज्यादा है और लिक्विड कंटेंट, तो यहाँ जो फैन है इवेपोरेशन जब मूव करेगा यहाँ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो बिकॉज इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर विल मूव अवे, हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी द हाईएस्ट। क्योंकि अगर लार्ज सरफेस एरिया है और जब विंड की स्पीड ज्यादा होगा तो जब वाटर पार्टिकल पे पड़ेगा तो वेपर बाहर ज्यादा बेगा, दैट इज द इवेपोरेशन विल बी द हाईएस्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 ए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। क्या जो सॉलिड का वेपर में कन्वर्जन होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जब सब्लिमेशन होता है तो कौन सा टर्म डिनोट करने के लिए, जो कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड, दैट इज डिपोजिशन। तो आंसर क्या होगा, डिपोजिशन इज ए टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। जब वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होता है दैट इज अ डिपोजिट होना, डिपोजिशन होता है, जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अ डिपोजिशन। बी पार्ट क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हाट इज मेंट बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है उसको फ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज मेंट लेटेंट ऑफ फ्यूजन, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन अ सॉलिड चेंज टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हीट एनर्जी या तो रिलीज और अब्सॉर्ब्ड होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। That means the amount of heat energy released or absorbed when a solid changes to a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझे भी होंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीटली समझेंगे और इससे आगे अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे और समझाएंगे। थैंक यू।